नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर कायमगंज से। मंडी सचिव कायमगंज का एक और आया सच सामने। खुलेआम गोलमाल, सीसीटीवी कैमरे का स्विच ऑफ, हो रही टैक्स की चोरी। विश्वस्त सूत्रों द्वारा एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कायमगंज मंडी समिति के सचिव आशीष यादव ने गेट नंबर 2 पर सीसीटीवी कैमरा जो वहां पर लगा हुआ है उसमें बहुत बड़ा गोलमाल किया है। पता चला है कि धर्म कांटे पर अंदर उस कैमरे का स्विच बोर्ड लगा रखा है जिसमें जब नंबर 2 का माल बाहर निकलता है तो उस सीसीटीवी कैमरे का स्विच निकाल दिया जाता है। जब माल गेट से पास हो जाता है तो सीसीटीवी कैमरे का स्विच फिर बोर्ड में लगा दिया जाता है। जब अधिकारी इस हद तक उतर आए हैं तो उस मंडी के टैक्स का क्या हाल होगा? आपस में पता चला है कि मंडी शुल्क की धड़ल्ले से चोरी की जा रही है और धड़ल्ले से नंबर 2 में माल निकाला जा रहा है। उच्च अधिकारियों को बार बार वीडियो मीडिया के मार्फत जारी भी किए गए, फिर भी उस भ्रष्ट सचिव आशीष यादव के खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन कहां तक अपनी आंखें बंद रखेगा और इस भ्रष्ट मंडी समिति सचिव आशीष यादव को प्रोत्साहित करता रहेगा? शासन एवं प्रशासन से सभी व्यापारी मंडी समिति की मांग करते हैं कि वह भ्रष्ट सचिव को निलंबित कर जांच कार्रवाई की जाए जिसमें सही का सही और गलत का गलत सामने आ सके। पूर्व में ही इटावा मंडी समिति में पहली तैनाती के दौरान भी वहां के व्यापारी त्राही त्राही कर उठे थे। बड़ी मुश्किल से इस भ्रष्ट अधिकारी से निजात पाया जा सका था, लेकिन कायमगंज का दुर्भाग्य है कि वह भ्रष्ट अधिकारी आशीष यादव के रूप में यहां भी भ्रष्टाचार फैला दिया। महीना बंदी वसूली की गई और वसूली की जा रही है। पैसा न मिलने पर गार्ड द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जाता है, मारपीट की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो भी फड़वा दिए जाते हैं। सारे गार्डों की मिलीभगत से पूरी मंडी लूट रही है। इस लूट को समाप्त करने का ध्यान जनहित में दिया जाना चाहिए। कोई भी व्यापारी सामने आने को तैयार नहीं है, ना ही कुछ बोलने को तैयार है। सच में इतनी दहशत फैला रखी है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताने से सामने इनकार करेगा, क्योंकि उसने धमकी दे रखी है। खुद से सस्पेंड कर देंगे व्यापार, मंडी के अंदर नहीं करने देंगे, इससे व्यापारी काफी दहशत में डरा हुआ है। कायमगंज स्टेट क्राइम ब्यूरो, अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।